तो गाइस स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही खास वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में हमारे पास है डार्क बुल। तो ये गाइस बेब्लेड बेन के ओन करता है और ये बेब्लेड बहुत ही ख़राब बेब्लेड है। ओवरऑल इसमें कोई अच्छे पार्ट्स है बट ओवरऑल अगर आप बेब्लेड को देखोगे तो ये बेब्लेड बहुत ही ख़राब है। और इस बेब्लेड को कभी भी आगे मतलब मेटल मास्टर्स में या मेटल फ्यूरी में कभी भी इवोल्यूशन नहीं मिला। तो गाइज मैं आज एक अटेम्प्ट करने वाला हूँ इस बेब्लेड को इवॉल्व करने का, और इसका अगर अपग्रेड होता तो वो क्या होता। तो गाइज ऑलरेडी एडिथ बेब्लेड ने इसका अपग्रेड बना के रखा है जो कि है मिडनाइट बुल, जिसमें वो मेरे हिसाब से ये व्हील चेंज करके मिडनाइट या ऐसे कुछ तो व्हील यूज़ करते हैं, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट हाँ उन्होंने अपग्रेड बनाया हुआ है। तो वैसे अपग्रेड मैं नहीं बनाने वाला हूँ इसमें गाइज। ओवरऑल बुल का जो पूरा डिज़ाइन है वो उसके मेन तो गाइज हमें क्लियर व्हील तो रखना ही है, क्लियर व्हील के अलावा तो बेब्लेड मतलब वो चेंज ही हो जाएगा पूरा बेब्लेड, तो कुछ बचेगा ही नहीं वो बेब्लेड का। तो इसके लिए क्लियर व्हील रखना है। और सेकेंड पार्ट जो है वो हम इसका ये हॉर्न 145 जो स्पिन ट्रैक है वो भी रखेंगे, क्योंकि हॉर्न और बुल ये काफ़ी अच्छे से सिमिलरिटी में जाते हैं। मैंने ईडी 145 के बारे में सोचा था बट फिर इटर्नल डिफेंस 145 पूरा ही कुछ अलग हो जाता है। इसके लिए मैं ये तीन पार्ट्स रखने वाला हूँ। इसके अलावा गाइज मेरा जो अपग्रेड आइडिया है वो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, मतलब एकदम जैसे कि जैसे मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हो वो डार्क बुल था राइट, तो उसके बाद अभी एग्जैक्टली डार्क बुल का मिडनाइट बुल ऐसे तो मैंने नहीं किया है। तो गाइज मेरा जो अपग्रेड है वो बेसिकली है कि मैं आपको यहाँ पे ये जो ब्लिट्स दिख रहा है मैं ब्लिट्स फ्यूजन व्हील यूज़ करूँगा। तो मुझे यहाँ पे ब्लिट्स स्ट्राइकर में से ब्लिट्स फ्यूजन व्हील चाहिए, बाकी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए इसमें से। तो यहाँ पे ब्लिट्स को अगर मैं बेसिकली अगर मैं इसको 4D इवोल्यूशन के जैसे मानूँ और मैं अगर ब्लिट्स को बराज मोड में डालूँ तो ब्लिट्स और ये जो है काफ़ी हद तक सेम दिखते हैं, थोड़ा फार डिफरेंस ही है यहाँ पे वहाँ पे। और ब्लिट्स में ये जो पार्ट्स नहीं है बीच बीच में जो डार्क में है उसकी वजह से ब्लिट्स एक ज़्यादा हाई रिकॉइल व्हील भी होता है। तो यहाँ पे कैसे है कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बुल को ऐसे के ऐसे मतलब जैसे ब्लिट्स का ओरिजिनल डिज़ाइन है वैसे डाल सकते हो, या फिर अगर आपको उसको इसके साथ मैच कराना है डार्क के साथ तो उसको बराज मोड में रख सकते हो। और फाइनली गाइज परफॉर्मेंस टिप के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस है फिर से। पहला ऑप्शन है RDF, तो RDF मतलब ये टोटली डिफेंस मोड में चला जाएगा। और सेकेंडली गाइज मेरे पास दूसरा जो ऑप्शन है वो है CS, बट CS में एक ही प्रॉब्लम है कि CS में वो इतना डिफेंसिव नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा कि बुल को अगर मैं डिफेंसिव बनाऊँ तो अच्छा होगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे RDF चूज़ करने का सोचा। तो गाइज देखते हैं ये कॉम्बो मतलब कैसे परफॉर्म करता है। ओवरऑल मुझे कुछ कॉपी वॉपी नहीं करना था, इट इज़ जस्ट दैट कि लाइक लोग बोलते हैं कभी कभी कोई चीज़ों का अपग्रेड आप भी बना लिया करो, तो इसके लिए मैं बनाता हूँ। आज वैसे भी थोड़ी सी हालत ख़राब है, मतलब थक गया हूँ ज़्यादा, तो ओवरऑल एक्साइटमेंट इतनी नहीं है, पर हाँ ये चीज़ शेयर करनी थी आपके साथ। तो ये है गाइज हमारा अपग्रेड। तो गाइज टेस्ट करते हैं इसको बाकी बेब्लेड्स के साथ। तो यहाँ पे पास हमारे पास है बीटलिंक्स, वो तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, वो अचानक से अटैक मोड में चला गया तो इसकी वजह से बेचारे को कुछ करने को ही नहीं मिला। जैसे कि आप देख सकते हो थोड़े फ्लावर पैटर्न्स भी कर लेता है ओवरऑल, ऐसे नहीं कि नहीं करता है। और ब्लिट्स की वजह से रिकॉइल भी बहुत ज़्यादा है, डिफेंसिव कैपेसिटीज है प्लस रिकॉइल भी है, तो ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करता है कभी कभी, कभी कभी नहीं करता। ओवरऑल बुल ऐसा अच्छा परफॉर्म करने वाला बेब्लेड है भी नहीं, बट हाँ ठीक है करके। अभी ट्राई करते हैं क्रिस इग्नस के साथ।
गाइस यार ये RDF मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा यूज्ड है। एक सेकंड, मैं दूसरा RDF यूज़ करता हूँ। हाँ यहाँ पे मेरे पास एक और RDF है। ये वाला जो है वो मेरे टूर्नामेंट्स में यूज़ होता है मेनली। मतलब मैं पहले जब भी टूर्नामेंट्स करता था और मैं पार्ट लेता था वो टूर्नामेंट्स में ओवरऑल, तभी मैं वो RDF बहुत यूज़ करता था। मेनली मेरा जो कॉम्बो था वो गेनबू गेनबू था। तो गेनबू गेनबू पे अगर मैं एक वॉर्न आउट RDF भी यूज़ करूँ तो भी वो वेट की वजह से वो ओके। तो यार ये थोड़ा मतलब सही वाला अपग्रेड तो नहीं लग रहा, बट हाँ अच्छा हो सकता है। अगर आप कोई अटैक ओरिएंटेड वेवलेट के सामने करोगे तो बच जाएगा ये। एक बार मैं आपको CS परफॉर्मेंस टिप, अगर मुझे वो मिले, हाँ मिल गई, इसके साथ भी आपको एक बार मैं दिखाता हूँ कि ये वेवलेट कैसे परफॉर्म करता है। मतलब बेसिकली मेरा आइडिया ऐसा था कि यार थोड़ा बुल को हम 4D में भी डाल सकते हैं क्या कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से KO कर दिया। एक बार वापस बीटलिंग्स के साथ ट्राई करते हैं, फिर बाकी वेबलेट के साथ भी ट्राई करेंगे। ऐसे नहीं नहीं बाकी सब के साथ ट्राई करेंगे। मेरे हिसाब से एडिट ब्लेडर ने बॉल फ्लैट या फ्लैट बॉल ऐसे कुछ यूज़ किया है, बट मुझे वो इतना सेंसिबल नहीं लगता ऑप्शन। मतलब ऑब्वियसली उनका चॉइस है, ऐसे कुछ नहीं, मुझे नहीं लग रहा। स्टार्टिंग हिट्स कनेक्ट होने चाहिए, नहीं तो फिर तो यार उतना तो समझ जाना चाहिए आपको कि अगर वो नहीं होंगे तो प्रॉब्लम है। गाइस वेरियरिस को ट्राई करते हैं। ड्रॉ हो गया यहाँ पे तो अभी फैंग लियोन है। आप देख सकते हो काफी अच्छा रिकॉइल है मतलब बेवलेड में। ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर क्या ट्राई करते हैं। उड़ा दिया ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर को। अभी और क्या, पेगासस के साथ ट्राई करते हैं। अभी क्या है यहाँ पे हॉर्न 145 के जैसे वो मर जाएगा। हाँ गाइज लास्ट एक और ट्राई करते हैं हेडीज कर्बेक्स के साथ। अरे यार इनिशियल इतने हिट्स मिस नहीं करवाने वापस। अच्छा है वेवलेट नॉकआउट कर लेगा, ऐसे नहीं नहीं और अगर बेनके का इवोल्यूशन होता तो वो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाए। तो यार ये ओवरऑल एक मीडियोकर इवोल्यूशन के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपको नहीं लगता तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हो ये चीज़। और अगर अच्छा लग गया है तो वो भी मुझे आप बता दो कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे इसको तो नहीं हराएगा। गाइस लास्ट एक और बार किससे टेस्ट करते हैं और कौन बचा है। गाइस फैंटम ओरायन से टेस्ट कर लेते हैं इसी टाइम पास के लिए। VP10 में उड़ा देगा क्या, एक बार ट्राई कर लास्ट, बस एक बार आपके लिए वही कर रहा हूँ। अगर VP10 में उड़ा दिया तो
BB10 में वो कर पा रहा है, पेगासस के साथ ट्राई करते हैं। देखो BB10 में वो काम कर रहा है गाइस। डियो यूरेनस लास्ट। तो गाइस ये है मेरा अपग्रेडेड कॉम्बो बुल के लिए। यहाँ पे ब्लिट्स बुल हॉर्न 145 CS। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करो और चैनल पे सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।